हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट पूरा बदलने वाला है। मजबूरी है भाई, टीआरपी नहीं आएगी तो कहीं ना कुछ तो होगा ही। अरे कुछ ना कुछ होगा तो भाई आप जो है देखने के लिए एक्साइटेड होंगे, क्योंकि एक चीज़ से आप बोर हो जाते हैं। वैसे भी आज की दुनिया जो आज की जो जनरेशन है वो जल्दी ही बोर हो जाती है हर चीज़ से, तो फिर एंटरटेनमेंट अगर खींचेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें एंटरटेनमेंट से हटने के लिए। तो इसीलिए एंटरटेनमेंट जो है बदलता रहता है, ताकि जो है भाई बोरियत ना हो। पहले तो होता था ना, चाहे जो भी है भाई, ऑप्शन नहीं है, इसे ही करिए। अब ऑप्शन ही जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं, बोरियत उतनी जल्दी होने लगी है। तो ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपके राजन शाही के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है। होली को लेके, तोशु को जेल में डलवा के, अनुज जेल से रिहा करा के, और श्रुति की शादी को लेकर बहुत सारे ट्विस्ट चल रहे हैं। ऐसे में एक शो का प्रोमो भी आ गया है इसी में ही, जहाँ पे छोटी अनु जो है अपनी मोम के साथ, यानी कि अनुपमा के साथ स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही है, जहाँ पे अनुपमा का ये ड्रीम होता है और वो इस ड्रीम को पूरा करना चाहती है। चलिए भैया, मैं भी कोई ड्रीम देखूंगी और मैं भी पूरा करूंगी, फिर चाहे मुझे कितनी भी बलिदानी देनी पड़े। तो चलिए भाई, अनुपमा है, अनुपमा ही अपनी बेटी का दिल जीतेगी, उसी ने उसका दिल दुखाया था। अगर ये काम 5 साल पहले ही कर लेती तो जो है आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे जितने बड़े हो जाते हैं, सवाल उतने ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे बच्चे को समझाया जा सकता है, लेकिन क्या करे भाई, अनुपमा को तो जो है अलग रहकर सोच रही थी कि शायद रिश्ते सुलझ जाएंगे, लेकिन यहाँ सुलझे नहीं है। लेकिन अब उससे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, एक नया सफ़र शुरू होने वाला है अनुपमा का। मुझे लग रहा है राजन साई ना कंफ्यूजन हो रहे हैं कि मुझे दिखाना क्या है, पब्लिक देखना क्या चाहती है, पब्लिक आखिर जो है जो देखना चाहती है वो मैं दिखाऊं तो क्या वो देखेगी भी या नहीं देखेगी। भाई देखिए, अनुपमा को आपने जब सबसे शुरू में अनुपमा शुरू हुआ था, आपने अनुपमा को क्या करते हुए देखा था? सिलबट्टे पे मसाला पीसते हुए देखा था ना, और सासू माँ के ताने सुने थे। बेचारी सबसे पहले किचन में ही दिखाई थी। तो आप दोबारा राजन शाही जो है अनुपमा को किचन की ओर लेकर जाने वाले हैं। आप कहेंगे अरे हाँ, वो तो फ़ौरन में भी जो है रेस्टोरेंट में काम कर रही है। हाँ, अब भाई रेस्टोरेंट में उनके मसाले काफ़ी फेमस हो गए हैं। भाई बर्थडे पे गिफ्ट दिया था जो है दीपू ने, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसे में जो है अब अनुपमा जो एक ड्रीम है उसका, मैं स्टेज पे डांस करूँगी, वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन राजन शाही अब अनुपमा को दोबारा किचन में लाने वाले हैं। लेकिन अब किचन कुछ और तरीके की होगी, कॉम्पिटिशन किचन होगी, जहाँ पर वो कुकिंग में कॉम्पिटिशन करेंगी। चलिए भाई, उसमें तो हमारी अनुपमा ही जीतेगी, जो इतनी अच्छी चीज़ें बना चुके हैं। इससे पहले भी जो है अपनी बेटी पाकी के कॉलेज में भी वो परफॉर्मेंस कर चुकी हैं कुकिंग का, जहाँ पे उसकी प्रिंसिपल ने भी उन्हें ऑफ़र दिया था और जॉब भी दी थी और बड़ी तारीफ़ भी की थी। लेकिन बच्चों को तो लगा था ना, माँ तो अनपढ़ है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, इसको तो कपड़े ढंग के पहनने नहीं आते। लेकिन भाई अनुपमा फ़ौरन में जो है अब कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाएगी। अब देखते हैं वो ट्रॉफी लाएगी या नहीं लाएगी। भाई सीरियल है, ट्रॉफी तो अनुपमा के हाथ में ही लगेगी, लेकिन काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिलेगा। तो अब अनुपमा डांस छोड़ जो है कंपटीशन करेगी कुकिंग का, हर जगह फेमस होगी, डांस में भी फेमस होगी, कुकिंग में भी फेमस होगी, अब गाने वाने में ना फेमस हो जाए। तो ऐसे में अब नए सफ़र में आप कितना वेट करेंगे अनुपमा का कुकिंग में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।